बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हैं। आज हम लोग बना रहे हैं फ़िश की करी। फ़िश है हमारे पास 700 ग्राम। टमाटर हैं, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लीमू, लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले, ऑयल और सिरका। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गरम हो गया और एक बड़ा प्याज है जो इसमें शामिल कर लेंगे। अब प्याज को लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज हमने लाइट गोल्डन कर लिए हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है जो एक खाने का चम्मच हमारे पास। इसके साथ अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन अदरक हमने भून लिया और अब एक बड़े साइज का टमाटर डालेंगे। टमाटर को नरम होने तक पका लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हमारे पास एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच मेथी, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच कुटी हुई मिर्चें, एक खाने का चम्मच खुश्क धनिया और एक चुटकी हमारे पास है अजवाइन, एक खाने का चम्मच हमारे पास जीरा। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। मसालों को आप 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें एक खाने का चम्मच सिरका शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। ताकि मसाला हमारा जले ना। अब 2 अदद नींबू का रस शामिल कर लेंगे। उनके बीज निकाल लेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें 2 अदद है हमारे पास, वो शामिल कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लिया है और अब इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे करी बनाने के लिए। आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक पानी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, तब फिश शामिल करेंगे। 2 मिनट हमने पका लिया और अब इसमें फिश डालेंगे। फिश हमने इसमें शामिल कर दिया है। 5 मिनट हम इसको पकाएंगे और तब तक इसमें चम्मच नहीं चलानी। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। एक साइड से पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। एहतियात के साथ इसकी साइडें चेंज करनी है ताकि ये टूटे ना।
साइड हमने चेंज कर लिया और इसको भी 5 मिनट के लिए इस साइड से पकाएंगे ढक्कन दे के, और इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। तो अब चेक कर लेंगे, हमारी मज़ेदार फिश करी तैयार है। इसको अब गार्निश कर लेंगे। इसके ऊपर अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे। हरा धनिया, ये तो फिश करी हमारी तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ या चावलों के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।